बीट चेंज होने वाला है क्या? चेंज ये शट्टू तुझा हिप हॉप ला तुझा की शट्टू नाहीतर बोचावर टॅटो नी नाव लिहू काय करायचे मला पण उगाच येऊन देऊ नको हिप हॉप चा सल्ला मी तुझा बाप मी तुझा बाप मी तुझा बाप मला फरक नाही झाड मी तुझा बाप मी तुझा बाप तुझ्या मागणं घालून घे तुझा तो रिअल हिप हॉप मी तुझा बाप मी तुझा बाप मी तुझा बाप मला फरक नाही तुला बुल्ल बोलतो डायरेक्ट तोंडा बोलतो तुझ्या तोंडात दम पण समोर हात पाय जोडतो फुगिरीचे वाटता झाटा सोडतो ये तुझ्या गांडी मध्ये तुझी गुरमी मोडतो मला झाट फरक पडतो तो कुठला पण भाई जसा बघतो तुम्हाला तुझ्या फास्ट होतात पाय अरे थांब जरा नाही घेऊन टाकलायची गाय अरे बंद पाड ह्याला बळच करतो ये वाय घुसून तुझ्या बापाला विचारतो त्याचा नाही मी जाऊन काढलाय तू पोरगा माझा हाय पोरावानी राहा नको शिकवू हवाई शिवाय देतो मी देणार ही माझी सवय तुझी फाटली कबाळा आता शिवून घे तुझा बाप माझं नाव मध्ये लिहून घे स्टार्टिंग में इंट्रो में क्रिप रुमाल दिखाया जो क्रिप है होता है और अभी बंदा है जो कि ब्लड वाला पेन है तो भाई ये समझ में नहीं आया कि साथ में मतलब इधर भाई पुणे में शायद इन लोग के एरिया में इन लोग के हुड में इन लोग के होमीज लोग में कुछ रैपर्स क्रिप को सपोर्ट करते कुछ रैपर ब्लड को करते शायद आई थिंक सो टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो फिर से आपका स्वागत है मेरे 8 लाख के स्टूडियो में आप फिर से आकर ले सबको बता रहे हिप हॉप क्या ये सबको समझा रहे ले क्या बोलती पब्लिक तो क्या बोल रही पब्लिक तो अपन अभी जा रहे रिएक्शन बनाने के लिए तो भाई एक वीडियो आया है पुणे अपर तो वो वीडियो बनाने जा रहे हैं हमारे 8 लाख के स्टूडियो में गाने का नाम कुछ तो है एक मिनट चेक कर लेता हूँ गाने का नाम तो भाई ये मेरा 8 लाख का स्टूडियो तो गाना 3 जनों ने बनाया है गाने का नाम है बताया मी तुझा बाप मी तुझा बाप वो MC आइकॉन MC सैंडी और MC साइको तो भाई चलते स्टूडियो के अंदर सबसे पहले ये मास्क रख देते हैं क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ और ये ऑफिस के मेंबर्स ऊपर से देख रहे हैं मुझे तो पगला गए पब्लिक ठीक है तो ये डिक्की में रख देता हूँ मास्क का पंच तो चलते 8 लाख के स्टूडियो के अंदर तो आ जाओ स्टूडियो में ये बॉय ये हम आ गए ये हमारा सेकेंड फोन निकाल चुके हैं और यहाँ मेरा स्टैंड है जो स्टैंड है ये मेरा स्टैंड और ये हो गया डोर बंद स्टूडियो पैक तो ये मेरा हेडफोन ये हुआ गाड़ी ऑन ये हो गया AC फास्ट ये हो गया टेम्परेचर लो तो ये टेम्परेचर लो हो गया गाड़ी ऑन हो गया तो भाई अभी हम लगाएंगे अपना ये स्टैंड लग चुका है तो ये मोबाइल को यहाँ सेट करेंगे ये हो गया मोबाइल सेट और ये हो गया स्टेयरिंग डाउन और मैं आ रहा हूँ क्लियर आ रहा हूँ पब्लिक तो ये आ गया अपना किंगो की इज्जत मतलब ये तो भाई इज्जत ही अपनी थोड़ा मेकअप तो करते नहीं है थोड़ा मुंह रगड़ लेते ताकि हम काले से लाल हो जाए तो ये हम थोड़े हो गए लाल तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी काकू की के बिना पब्लिक तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी दिस इज अली अंसारी तो क्या बोल रहे हैं पब्लिक अली अंसारी इन द हाउस तो फिर से एक बार चलते पुणे अपर तो पब्लिक भाई MC डीडो का होम इज लो का गाना आया है जिसका नाम है मी तुझा बाप मिस तुझा बाप ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो और गाना लिखा है जिसने लिरिक्स लिखे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों का MC आइकॉन MC स्टैनली MC साइको पब्लिक और हाँ एक बात बता दूं कि भाई ये शायद से संबाड़ा को डिश आई थिंक सो जिसने मुझे लिंक भेजा था इंस्टाग्राम पे वो बोला संबाड़ा को डिश है तो आई थिंक सो मुझे मैं तो सुना नहीं ट्रैक बट मैं खाली इंट्रो सुनता हूँ ब्रो बंदा बीट पे होना चाहिए बस बाकी अपन अपना वीडियो बनाएंगे तो भाई शुरू कर देते नहीं क्या ये बॉय एक बात चीज बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना नहीं पसंद आए तो डिसलाइक तो जरूर करना तो भाई शुरू कर देते ओह शिट फक ब्रो ये थोड़ा इसको डाउन कर दे नॉइज आ जाएगा ये मोची शाम बात इंट्रो बहुत बढ़िया है ओ
Are you ready for this fucking shit? MC Psycho, MC Sandy, MC I. मेरे ये एरिया का नाम है? एरिया का नाम है? ये. Are you ready for this fucking shit? नीमनगर वहाँ. MC Psycho, MC Sandy, MC Icon. मी तुझा बाप ऐकून घे बाळ केला तुझा लाड म्हणून आला तुला माज तुझ्या बापाच्या जीवावर उडायची खात जरा माग वळून बघ उगल्यात का दात जरा मागून ओढून बघ उगला की दात ओ ब्रो भाई जिसको मराठी नहीं आती तो भाई मैं बता देता हूँ ये पता नहीं किसको बोल रहा है अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ किसको बोल रहा है बट ये सबलिमिनल लग रहा है मेरे को नाम नहीं लिया होगा शायद से किसी का वो बोल रहा है पीछे मुड़ के देख तेरे वो बोलते ना तेरे गांड में दात आया क्या वही बोलने का मतलब है ब्रो तो भाई सही है ये कौन है भाई ये एमसी आइकॉन है आई थिंक सो या शायद कोई और मुझे बता देना ब्रो मैं इन लोग का गाना पहली बार सुन रहा तो इन लोग के नाम मुझे पता नहीं है ठीक है तो सर चार सौगात जनी केला घाट चेहरे सगळ्यांचे पाट माझे आई छवा आलते त्यांचीच आई छवली भिवून जाऊन पळून गेले मला पाट आजी तुझी आई ती माझा छायडा एकदम मधी ब्रो ये कोण है जनी केला घाट चेहरे सगळ्यांचे पाट जनी केले घाट चेहरे सगळ्यांचे पाट यानी भाई जिसने भी ये मतलब वो क्या ना डबली मतलब बोलते ना साथ में रखे अपने साथ चीट किया है ना सबके चेहरे याद है मेरे को बोलते ठीक है और भाई इसके पीछे मेरे को एमसी डीडो दिखा है ब्रो डीडो हाँ भाई डीडो से याद है सब लोग बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं एमसी डीडो का हम लोग को थोड़ा अपडेट दे दो एमसी डीडो का थोड़ा अपडेट दे दो तो ब्रो शायद से नेक्स्ट वीक में गाना आएगा या तो यही सैटरडे संडे को भी आ सकता है बोल नहीं सकते थोड़ा प्रॉब्लम चालू है थोड़ा वो सीन हुआ था तुमको शायद मैंने वीडियो बनाया था तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो कर रहे थे चौकी के हिसाब से क्योंकि सीन बड़ा हो गया था उस टाइम ठीक है तो वही चीज़ उधर उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है तो शायद अगले हफ्ते आ सकता है एमसी डीडो का गाना या ये हफ्ते में भी ड्रॉप कर सकते हैं बोल नहीं सकते गाना तैयार है वैसे एडिट करके डालने का ये खाली एडिट हो चुका है खाली डालने की देरी है तो पब्लिक आगे का सुनते और एमसी डीडो आजी तुझी आई ती माझा छायडा बोलते माझे बॉल चाव मी पण लय बाराचा पुच्छीवर घाव अरे मीच तुझा बाप जरा शिस्त मला दाव ए भाऊ माझे अंडाला चाव पदात नको लाव ए भाऊ माझा अंडाला चाव पदात नको लाव ओ ब्रो दुखताय ब्रो सही था यार मतलब इतना ओपन यार ब्रो ये बात समझ में तो आई गई होगी आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आने तो हिंदी में भी बोलते ब्रो बोलते काट पर दांत मत लगा भाई भाव माझा अंडा लचाव पण दांत नको लाव ये तुला बुल्ले कोण तो डायरेक्ट तोंडा बोलतो तुझ्या तोंडात दमपण समोर हात पाय जोडतो फुगिरीचे वाटता झट्टा सोडतो ये तुझ्या गांडी मध्ये तुझी गुरमी मोडतो मला झट फरक पडतो तो कुठला पण भाई जसा बघतो तुम्हाला तुझ्या फास्ट होतात पाय अरे थांब जरा नाही घेऊन टाकलायची गाय अरे बंद पाड ह्याला बळच करतो ये वाय ए मी तुझा बाप मला फरक नाही झाट मी तुझा बाप तुझ्या मागणं घालून घे तुझा तो रियल हिप हॉप मी तुझा बाप मला फरक नाही झाट मी तुझा बाप तुझ्या मागणं घालून घे तुझा तो रियल हिप हॉप तुझा मागणं घालून घे तुझा तो रियल हिप हॉप अरे मतलब वो बोल रहे रियल हिप हॉप तेरे डाल दे पीछे समझ रहे हो ब्रो अब भी समझ में आया मेरे को इतने चार पांच बार सुनने के बाद समझ में आया क्या बोल रहा हूँ सांगतो तुला भाई गांड माराय म्हणला पण वेळ लागत नाही तू बोलतो काय गाण्यामध्ये तुलाच कळत नाही बुल्ला गे शांत बस थंड गे भाई ब्रो इसका नाम पता नहीं मेरे को लेकिन बंदे का राइमिंग बहुत पसंद आया यार मेरे को यार भाई क्या बंदा है यार ये नाम पता है शायद एमसी स्टैंडी से कुछ रहेगा एमसी स्टैंडी वो सैंडी सॉरी आई थी सॉरी एमसी सैंडी शायद ये रहेगा उसका नाम या
पता नहीं यार, मुझे पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना फर्स्ट वर्स किसका है, सेकंड वर्स किसका, थर्ड वर्स किसका है, तो मैं नाम गलत शलत ले लूंगा तो वीडियो गंदा हो जाएगा भाई, पब्लिक भाग जाएगी आधे से। ये ब्रो इसका राइमिंग बहुत पसंद है, बीट ट्रो एकदम खतरनाक, और भाई बंदा एकदम बीट पे चल रहा है, वीडियो क्वालिटी कतई जहर, मजा आ रहा है वीडियो क्वालिटी। ऐसा वीडियो हमारे ऐसा शूट हमारे गाने का कब होगा क्या पता, इंशाल्लाह बहुत जल होगा। तो ब्रो मैं देखो, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते तुम लोग तू वन साइड सपोर्ट कर रहा है, ब्रो ऐसा नहीं है, मैं रिएक्शन वाला हूँ, मैं सब सब आर्टिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, और मेरा यहाँ तक सीरीज भी चालू है यार, 60 लोगों का फ्री प्रमोशन कर दो, 60 लोगों का फ्री प्रमोशन कर दिया। अगर आप लोग को भी आपका गाने में दम है तो मुझे लिंक भेजना जरूर, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो मैं उसका भी रिएक्शन वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा भाई। और मैं हाँ आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है, होएगा आएगा धीरे धीरे आएगा, पार्ट टू पार्ट आएगा ब्रो। गाने आर्टिस्ट बहुत एक से एक है, पुणे के साइड से ज़्यादा आर्टिस्ट लोग के मेरे को लिंक आते, तो पुणे के लोग सपोर्ट बनाए रखो, किसी ना किसी दिन प्रकट होगा, सुमड़ी में आओ सुमड़ी में जाऊँगा ब्रो। ज़्यादा हाइप नहीं मांगता और ज़्यादा हेड भी नहीं मांगता है ब्रो, पेल दिस ब्रो। तो ये बंदे का भाई कतई ज़्यादा, और एक को मेरे को समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग में इंट्रो में क्रिप रूमाल दिखाया जो क्रिप है होता है, और अभी बंदा है जो कि ब्लड वाला पेन है, तो भाई ये समझ में नहीं आया कि साथ में मतलब इधर भाई पुणे में शायद इन लोग के एरिया में, इन लोग के हुड में, इन लोग के होमीज लोग में कुछ रैपर्स क्रिप को सपोर्ट करते, कुछ रैपर ब्लड को करते शायद, आई थिंक सो। सिक्सर गैंग इतना आमची आखी मॅच कोण फिक्सर नाही, लढला बिडला तर डायरेक्ट रिक्सर बाय, अरे छाना बन दादा इथं सुट्टी नाही, अरे कोण रे तू लावणार लसून, शानपाना केला तर डायरेक्ट ससून, बाळा तू जाऊ नको मला टसून, नाही तर आई जाऊन टाकल तुझी घरात घुसून, तुझ्या बापाला विचार तू त्याचा नाही, मी जाऊन काढलाय तू पोरगा माझा हाय, मग पोरावानी राहा नको शिकवू, सवाई शिवाय देतो मी देणार ही माझी सवय, तुझी फाटली कबाळा आता शिवून घे, तुझा बाप माझा नाव मधी लिहून घे, तुझा धावता आलाय आता छवाई दे। बंदा ब्लैक रुमाल दिखा रहा है और पीछे भाई सब रेड पकड़े हुए, मतलब ये कोलैबोरेशन में क्रिप और ब्लड दोनों भी है, दोनों भी है भाई, दोनों भी है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी मैं तुझा बाप, पप्पा जी बोल, तुझा बाप जी, मैं तुझा बाप, मला फरक नाही जाट, मैं तुझा बाप, मैं तुझा बाप, तुझा मागणं घालून घे तुझा तो रियल हिप हॉप, आ मैं तुझा बाप, मैं तुझा बाप, मी तुझा बाप, मला फरक नाही जाट, मी तुझा बाप, मी तुझा बाप, तुझ्या मागणं घालून घे तुझा तो रियल हिप हॉप। बीट चेंज होने वाला है क्या? चेंज ये शट्टू तुझ्या हिप हॉपला तुझ्या की शट्टू, नाहीतर बोचावर टॅटोनी नाव लिहू, काय करायचं मला पण उगच येऊन देऊ नको हिप हॉपचा सल्ला, काय टुपाकचा घेतला फक ब्रो, बीट चेंज फ्लो चेंज, और भाई बार्स से बांधे का बार्स सुन रहे, बार्स रिपीट लगा दो रिपीट। शट्टू तुझ्या हिप हॉपला तुझ्या की शट्टू, नाहीतर बोचावर टॅटोनी नाव लिहू, काय करायचं मला पण उगच येऊन देऊ नको हिप हॉपचा सल्ला, हिप हॉपला आपला की साठ्य हो ले तो बोचावर आपला टैटू बनो क्या ऐसे कुछ बोला, बट मीनिंग वही आ रही है भाई, समझ रहा, तेरा हिप हॉप तेरे जेब में ही रख और तेरे गांड पर टैटू बना ले ब्रो, व्हाट द लाइन ब्रो, लाकाय टुपाकचा घेतला होता तोंडामध्ये हिप हॉपला, मानतो मानतो मग तुझे कसले विचार माझ्या लंडावरती टाकतो, अरे किती वेळा सांगतोय तू करतोय कष्ट, तुझी रोजची किरकिर ऐकून माझा होतोय बष्ट, तुझ्या गाण्यात दोस्त आणि मी माझ्यात मस्त, काय कारण ह्यांना वाटत हिप हॉप मध्ये चालू यांची सत्ता, अरे यांच्या आईचा पुत्ता बोलतो मी आता, विचार जर केला तर मग 2 मिनिट नाही लागणार गोल करायला, पत्ता कारण फक्त सोशल वरतीच गँग तयार व्हाई, बाण मी बुल्ला तोडून हाकत देतो माझी रेल भाई, बाकी का जोडो, ये बंदे का नाम क्या मेरे को बता दो यार भाई, वाइब आ रही भाई फुल वाइब, देखो भाई पब्लिक को क्या मांगता है, वाइब मांगता है और अपने आप को मतलब गाने में वाइब मांगता है, सुनने मजा आना मांगता है, समझ रहे भाई, दैट्स अ रियल हिप हॉप ब्रो, दैट्स अ ओजी शिट ब्रो, ये ब्रो इसको बोलते डिस। लेकिन भाई डिस में कोलैबोरेशन में को लग रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोलैबोरेशन में सोलो बाय सोलो आते तो मजा आता है, डिस में सोलो बाय सोलो आते तो मजा आता है, ऐसा कोलैब में सही नहीं लगता ऐसा, मतलब समझ रहे,
क्या अभी ट्रेंड चल रहा है सब ऐसी बना रहे तो बॉम्बे बना लेते बैंडी शब्दांनी गाव दे पण जाट तुला जमणार नाही करणार काय मी खलीफा तुला पाटणार नाही मारणार काय तुझा उठत नाही तर हातात माझा धरणार काय भरणार काय बोल आम्ही गांडीत पाय घालतो जर का माझ्या सोबत केला कोणी डिस करायचा रोल विषय खोल करून देणार तर कानावर फटके जर का केले नाटके हे लोक फेम साठी हिप हॉप करतात आरत बाटके आणि बीट प्रोड्युसरला पण लय आली मस्त यांचे बीट ऐकून येते माझ्या डोक्यात सुस्ती म्हणे मला पुण्याचा डॉक्टर ड्रे अरे वर तोंड करून माझा तोंड घे माझे पाय शिवज वाचतोय फादर डे आणि ज्या खेळात त्या खेळातून माघार घे अरे इकडे तिकडे काय बघतोय काढ कोयता भंचोद भाईला घुरतो जवा तवा लाईनी चोरतो आई जवा आज मौलय मी काय आज मौलय मी एमसी सायको गावटी पावटा तो भाई ये एमसी स्पाइको था भाई लगाई था भाई सच्ची में स्पाइको है तो भाई यार ये अभी किसको बोल रहा है आई डोंट नो मेरे को नहीं पता किसको बोल रहा है बट सबलिमिनल डिस था और मेरे को इंस्टा पे काफी लोग ने बताया है कि इसने ये गाना मी तुझा बाप ये अपना एमसी बोल रहा हूँ संबाटा को डिस है आई थिंक सो ये संबाटा को डिस था और मेरे को तीन चार लोग का मैसेज भी आया तो शायद हो भी सकता और है भी या उसको ही टारगेट किए तीनों के तीनों ने लेकिन यार ट्रैक बहुत बढ़िया बहुत अमेजिंग यार पुणे हिप हॉप बहुत ज़्यादा डेवलप और डीडो के होमीज आई थिंक सो क्योंकि डीडो भी वीडियो फुटेज में दिखा है ऐसा नहीं कि नाम यूज़ किया है पर डीडो दिखा है मतलब समझ रहे हो डीडो का नाम यूज नहीं किया मतलब समझ रहे हो ब्रो उसका ये नहीं बोल सकते अपन के बाबा डीडो का नाम यूज़ करके व्यूज़ ले रहे नहीं बंदे ने वैसा कुछ भी नहीं किया डीडो का नाम लिखा ही नहीं है ना टाइटल में डिस्क्रिप्शन में शायद रहेगा बट टाइटल में नहीं है डीडो का नाम डीडो में वीडियो में डीडो दिखा है और बंदे लोग का होमिज होगा आई थिंक सो या हुड के लोग रहेंगे तो भाई वीडियो काफ़ी बढ़िया है लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके चेक मारो ओरिजिनल वीडियो और भाई बंदे का वाइब बहुत स्पाइको और अपने दो बंदे हैं सैंडी और एमसी आइकॉन तीनों के तीनों का बहुत बढ़िया काम और बीट वन बीट पे दोनों के दोनों किल और थर्ड बीट जो था भाई वो टुक कुक कुक सैंपल बहुत बढ़िया लगा यार मजा आ गया भाई सुन के तो भाई इसी तरीके से अपन वीडियो फिनिश करते डेली के जैसा तो चलते नेक्स्ट वीडियो की तरफ तब तक से प्रिय सतर्क रहिए और इसी हिप हॉप कल्चर को आगे बढ़ाते रहिए स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ पीस आउट पब्लिक पीस आउट